खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हो, लेकिन फिर हमारे मन में यही सवाल होगा कि खेलो इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि खेलो इंडिया 2024 कब और कहां पर होंगे, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और यदि आप खेलो इंडिया के अंदर विनर हो जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते कि खेलो इंडिया कब और कहाँ पर होगा। खेलो इंडिया 2024 का आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में 19 जनवरी से 31 जनवरी तक करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके अंदर जो बॉयज एंड गर्ल की एज रखी गई है वो अंडर 18 है। इस बार खेलो इंडिया के अंदर 27 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें ओलंपिक्स में करवाए जाने वाले सभी गेम शामिल हैं, क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स करवाने का उद्देश्य ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना। खेलो इंडिया के अंदर यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी एज अंडर 18 से नीचे होनी चाहिए। तो अब ये बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहला AFI, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI जो कि अपने गेम करवाती है, जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और फिर नेशनल। यदि आप पर इवेंट्स में टॉप 8 में होते हो तो आप खेलो इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर नंबर 2 पर है SGFI गेम्स, ये स्कूल गेम्स होते हैं, इनके नेशनल गेम्स हैं जो कि दिसंबर के अंदर करवाए जा रहे हैं। इन गेम्स के अंदर यदि आप टॉप 3 में होते हो तो आप खेलो इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर नंबर 3 पर है CBSE क्लस्टर गेम्स, यदि आप CBSE गेम्स के अंदर पर इवेंट्स में टॉप 1 में होते हो तो आप खेलो इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। CBSE गेम्स जो कि हर साल अगस्त से सितंबर में करवाए जाते हैं, यदि आप इसके अंदर विनर होते हो और टॉप 1 में होते हो तो आप खेलो इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर नंबर 4 पर है जूनियर एंड सब जूनियर, हर स्टेट के अंदर जूनियर और सब जूनियर कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं। यदि आप इन कॉम्पिटिशनों के अंदर नेशनल लेवल पर टॉप 3 में होते तो आप खेलो इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इनके भी पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और फिर नेशनल गेम करवाए जाते हैं। और फिर नंबर 5 है होस्ट स्टेट, जिस स्टेट के अंदर गेम करवाए जा रहे हैं वो अपना पर इवेंट्स के अंदर एक खिलाड़ी भेज सकता है। और अब बात कर लेते हैं कि खेलो इंडिया के अंदर यदि आप विनर होते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। खेलो इंडिया के अंदर यदि आप विनर होते हो तो आपको 8 साल तक 5,00,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। खेलो इंडिया के अंदर विनर होने पर आप नेशनल लेवल पर कोई भी कॉम्पिटिशन हो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आपने बेस्ट परफॉर्मेंस की है तो आपकी स्पेशल तैयारी करवाई जाएगी और आपके पास बहुत से अकेडमीज के ऑफर भी आने लगेंगे। खेलो इंडिया के जरिए जो खिलाड़ी नेशनल लेवल पर आगे पहुंचे हैं उनमें मनु बाकर जो कि शूटिंग में है, जेरेमी लाल रेनुंगा जो कि वेट लिफ्टिंग में है, स्वदेश मंडल जो कि स्विमिंग में है, अंशु मल्लिक जो कि रेसलिंग में है और विकास यादव जेवलियन थ्रो के अंदर हैं। ये वो खिलाड़ी जो खेलो इंडिया से आगे पहुँचे हैं और खेलो इंडिया का आयोजन करवाते हुए मात्र 4 से 5 साल हुए हैं। ये खेलो इंडिया का 6ठा संस्करण है। तो दोस्तों, यदि आपको खेलो इंडिया से या स्पोर्ट्स से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।